अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल हिकमत यूनानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो दोस्तों, आज हम शुगर कैसे होता है, क्यों होता है, ये रोग है या अलामत है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसकी आप पूरी पूरी वीडियो ज़रा स्क्रिप करके ना देख सुने, गौर से सुने, पूरी वीडियो सुने, जिससे आपकी सही समझ में आए। हम कानून मुफरद अजा के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो सुने, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जिस तरह के आप जानते हैं कि यूनानी की एक बुनियाद असूलों पर रखी गई, यानी तिब के असूलों पर रखी गई, और इसी तरह नज़रिए की जितनी भी आप देखेंगे कि इसके भी असूल हैं, जैसे कि सफरा यानी कि बढ़ गया तो उसका इलाज क्या, इसी तरह सुदा बढ़ गया तो इसका इलाज क्या, इसी तरह ये बलगम बढ़ गई तो इसका इलाज क्या, तो इन्हीं असूलों पर ये जितना भी इलाज मुआलजा है वो किया जाता है। जिस तरह के आप जानते हैं कि जब मरीज़ का, जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि जब बलगम बढ़ जाती है तो उस वक़्त शुगर का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, इसी तरह उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जी इसमें जब सौदा बढ़ता है तो तब भी शुगर बढ़ जाती है, इसी तरह जब बलगम बढ़ जाती है तो तब भी शुगर जो है वो बढ़ जाती है। तो जब ये असूल हम अपना लें तो शुगर अलामात हैं, शुगर बीमारी नहीं। ये बात उनकी हज़ार नहीं, मैंने फिर भी कहूँगा कि 1 करोड़ फीसद दुरुस्त है। मैंने जब जायज़ा लेना शुरू किया इस हवाले से कि ये शुगर जब कड़वी चीज़ें देते हैं तो कम हो जाती है, इसी तरह जब खुश्क चीज़ें देते हैं तो कम हो जाती है, इसी तरह जब इसके अंदर एक्सरसाइज करवाई जाती है तो कम हो जाती है, इसी तरह जब मरीज़ पैदल चलता है तो कम हो जाती है, जब वो खुश रहता है तो ये कम हो जाती है, जब परेशान होता है तो कम हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? तो यही असूल हैं इस शुगर के इलाज करने के। जब आप तिब के असूलों को जान लेंगे कि शुगर असल में क्या है, शुगर क्यों होती है, शुगर की वजूहात क्या है, जब शुगर हो जाती है तो एक बंदे का हाजमा ख़राब हो गया, हाजमा कमज़ोर हो गया, हाजमे के अंदर वो सकत नहीं रही जो आप खुराक खाते हैं वो हज़म हो, ठीक है, तो शुगर बढ़ जाएगी। जब मैदा ख़राब होगा तो शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं असूलों पर जब हम बात करते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ की याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसी तरह दिल कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरह बाल गिरने लगते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरह अगर देखा जाए तो ये तमाम जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है वो तमाम का तमाम बर्बाद होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है तो उसके नीचे जिस तरह के लोग कुछ सपोर्ट दे देते हैं कि ये गिरे ना, और उस मसले को नहीं सीधा करते कि जो बिल्डिंग को उखाड़ कर दोबारा नए तरीके से बनाई जाए। तो कुछ लोग तो सालों साल यही एक रूल अपनाते हैं कि जैसे कि जी नीचे कुछ दे दिया बस जी गुजारा हो रहा है, हो रहा है। इसी तरह होम्योपैथिक, एलोपैथिक, इसी तरह हर्बल, इसी तरह नज़रिया, इसमें जो लोगों को असल में गाइडनेस थी वो गलत हो गई। जब हम इन असूलों पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी हमारे लिए 100% होगी। तो ये अभी इनके बार बार चलते हैं उस जगह पर जिस जगह से ये मामला शुरू हुआ। अब ये कह रहे हैं, ये देखें पहले आप असूल देखें कि ये अलामात तो शो हो रही हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि मरीज़ ने क्या किया जिससे शुगर बढ़ गई, ठीक है। एक बंदा मोटा है, उसका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत खाता है, शुगर हो गई। एक बंदा ज़्यादा सोचता है, उसे शुगर हो गई। एक बंदा फैमिली दर फैमिली
शुगर हो गई, इसी तरह गुर्दे वीक हो गए शुगर हो गई, इसी तरह दिल कमज़ोर हो गया शुगर हो गई, दिमाग कमज़ोर हो गया शुगर हो गई। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका हम पहले देखते हैं कि ये किस किस वजह से होती है। एक बंदा चाय बहुत पीता है, मैं आपको हज़ारों बंदे ऐसे मिला सकता हूँ कि जो चाय पीते हैं लेकिन शुगर नहीं है उनको, हज़ारों बंदे सिगरेट पीते हैं उन्हें टीबी नहीं है, हज़ारों बंदे जो हैं वो शराब पीते हैं गुर्दे नहीं ख़राब, ठीक है ना, हज़ारों बंदे जो ऐसे हैं वो क्या काम करते हैं कि उनको उन उस लेवल की वो बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये असूल जो थे जो आप बता रहे हैं कि ये तिब के असूलों के मुताबिक अगर इसका इलाज किया जाए तो ये इलाज इसका हो सकता है। शुगर एक बीमारी नहीं, आलामात हैं दूसरी बीमारी की, तो उसी तरफ आ रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे शुगर हो गई, इंसान सोचने लगता है, जब ये सोचना शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो एक पावर होती है, दिमाग के अंदर एक पावर होती है जो जिस्म को ताकत देती है, जो कि उसके अंदर के सिस्टम को हाई रखती है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जब आप किसी मुद्दे पर बार बार सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे तो आपके अंदर एक जो नेचुरल कुदरत ने एक पावर एक ताकत रखी है वो कमज़ोरी की तरफ चली जाएगी, और आहिस्ता 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 आपके हाजमे का निज़ाम इस कदर बुरी तरह मुतासर होगा तो फिर वो शुगर की अलामात को शो करेगा। शुगर तो हर बंदे के अंदर है, ये तो आप सभी लोग कहते हैं कि जी शुगर हर बंदे के अंदर है, जबकि लबलबा जो होता है वो इंसुलिन या इसी तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं वो पैदा करता है या उसे हजम करता है या जो भी एक मामला है, वो तो एक अलग बहस है। तो जब हम ये वाली चीज़ें अपना लेंगे, असूल अपना लेंगे, तो ये बिल्कुल शुगर ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल शुगर का एक लेवल का बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसके असूल क्या हैं? तिब के अंदर जो असूल है, जब एक बंदे को गर्मी लगती है या गर्मी जिस्म में सुफरा बढ़ गया तो हम उसे तर सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करवाते हैं। जो गर्मी बढ़ी हुई है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और इसी तरह उसका जो टम्परेचर जो जिस्म के अंदर एक तेजाबी मवाद था उसे खुश्की गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सर्दी तरी में तब्दील होके उसका जो जिस्म था वो एक लेवल पर आके ख़त्म हो गया। नंबर दो, जब हम सौदा का देखते हैं कि इसमें काला यरकान हो गया, जब हम उसे अगली तहरीक देते हैं, जैसे कि हम गर्म तर तर गर्म और इसी तरह हम गर्म खुश्क अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि उसके जिस्म के अंदर दर्द थी, जो जो उसके जिस्म में एक खून की जो मुंजमित होने की तरफ जा रहा था, जो उसके जिस्म में फासद मादे वजूद के अंदर मौजूद थे, एक तो दी हमने गर्मी खुश्की, उससे वो सर्दी खुश्की वाला गलबा टूटकर, सर्दी खुश्की का जब गलबा टूटकर गर्मी खुश्की में तब्दील हुआ, और उसके बाद हमने दे दी तरी सर्दी वाली यानी तरी गर्मी वाली चीज़ दे दी, उसके अंदर तरी भी पैदा हुई और उसे जिस्म में खारिज होने में भी मदद मिल गई। तो ये भी एक इस चीज़ का इलाज का एक तरीका होता है। तो इसी तरह जब हम गर्मी खुश्की बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम तरी सर्दी देते हैं, और इसी तरह जब सर्दी खुश्की हो जाती तो हम अगली तहरीक देते हैं, तो इससे ये इलाज में बहुत तेज़ी आ जाती है, और इसी तरह इलाज जो करने में एक बेहतरीन कुव्वत मिलती है वो अजाफी हो जाती है। एक तो ये कि ये हमने असूल छोड़ दिए, मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म में गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, अगर वो गर्मी बढ़ गई है तो वो आर्जी तौर पर उसने कुछ नहीं किया, यानी मुझे महसूस हो रही है, जब वो आर्जी एक लेवल पर होगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक, जब वो हद से बढ़ेगी तो मुझे यरकान हो जाएगा, पीला यरकान हो जाएगा। जब पीला यरकान हो गया यानी पहला स्टेप जो था वो नॉर्मल था, दूसरा स्टेप जो था वो बहुत हावी था, जैसे कि पीला यरकान उसने शो कर दिया। जब पीले यरकान का सही इलाज नहीं होगा, ठीक है, मैं एक आपको एक एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे जब पीले यरकान का सही इलाज नहीं होगा तो उसके बाद आने वाली जो एक मर्ज है वो भी मेरे सामने आई है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर जब पीला यरकान हो गया, मैंने अद्वियात ली, ये वो किया, सब ठीक हो गया,
लेकिन उसके बाद एक जिस्म में एक ऐसी तहरीक जो है वो हमेशा के लिए ठहर जाएगी अगर उसका सही इलाज ना किया जाएगा। ठीक है, वो क्या होगी, पाँव हमेशा जलते रहेंगे, आँखों में सेक निकलेगा, मैं गोश्त खाऊंगा तो जिस्म में तबीयत ख़राब हो जाएगी और जिस्म में एक आग सी लग जाएगी, और वो हमेशा होता रहेगा जब तक वो मैंने तीसरी कंडीशन जो थी उसे कंट्रोल करने के लिए जिस्म के अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भेजी जिससे वो जिस्म को धो सके, जिस्म को साफ़ कर सके, जिस्म को वो जो साड़ था, वो जो यरकान का पीले का एक जला हुआ मवाद था वो जिस्म से निकालने में जब तबीब नाकाम हो जाता है तो अगली कंडीशन शुरू हो जाती है। अब जब अगली कंडीशन शुरू हो गई, ठीक है, पहले हुई जिस्म में गर्मी, उसके बाद हुआ पीला यरकान, पीले यरकान के बाद मुझे जिस्म में ठहरा तेजाब, अब तेजाब जब ठहर गया अब इसकी चौथी कंडीशन शुरू हो जाएगी। जब मैंने 2 से 3 साल तक इसका इलाज ना करवाया, किसी मुआलज से ना राबता किया, किसी तबीब से ना मैंने राबता किया, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चौथी कंडीशन शुरू होगी जो कि वो आपके हाजमे को बर्बाद करके रख देगी और आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी तबाही लेके आएगी कि वो आपके जितने भी जो एक सिस्टम की फैक्ट्री में काम करने वाले अज़ा हैं उनको वो बर्बाद करके रख देगी और आपको शुगर जैसी आलामात पैदा होनी शुरू हो जाएंगी जिसे हम कहते हैं जी ये गुद्दी, या मिसाल के तौर पर ये जी गुद्दी कह सकते हैं कि जी शुगर है, ये भी गर्मी खुश्की वाली शुगर में शुमार हो जाएगी क्योंकि आपके सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया और उसकी हिद्दत और उसकी गर्मी से पूरे जिस्म के अंदर जो अज़ा काम करते थे, एक तो एक को चाहिए सर्दी, एक को चाहिए गर्मी, एक को चाहिए खुश्की, जब ये तमाम की तमाम चीज़ें उनका हुजम, उनकी जो एक काम करने की सलाहियत थी वो बिगड़ गए, वो तमाम के तमाम अज़ा बीमार हो गए, तो आप जो खुराक खा रहे हैं उनके अंदर से जो कच्चा कैलूस पैदा हो रहा है वो आपकी बॉडी में घूमना शुरू कर देगा, उसे हजम करने वाले जो अज़ा थे वो काम करना छोड़ गए, तो वो आगे जाके जब आप सिस्टम देखेंगे तो आपको शुगर शो होने लग जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो जिस्म में एक खून की काफ़ी मिकदार थी सफाई वाली वो गंदगी में चली गई, और इसी तरह वो जहाँ जहाँ रुकने शुरू कर देगी जिल्द बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी, और इसी तरह जब जिल्द बीमार होगी तो मुख्तलिफ अज़ा में खून के ठहरने की वजह से मुख्तलिफ फोड़े फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी और चला जाएगा वहाँ पर ये काम जहाँ पर आपकी टांग लात हाथ पांव ये वो काटने की तरफ चले जाएंगे और तमाम जिस्म खुश्क और एक अजीब सी कैफियत से गुजरना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, अगर बिलफर्ज पीला यरकान नहीं भी होता, वो शो नहीं होता, ठीक है, वो आपके जिस्म में शो हो ही नहीं रहा, आपकी आंखें पीली नहीं हुई, हाथ पीले नहीं हुए, जिस्म पीला नहीं हुआ, ज़ुबान पीली नहीं हुई, और आपको तलखी महसूस होती रहेगी, जब एक लंबे अरसे तक ये तलखी महसूस होती रहेगी तो आगे जाके शुगर का जो मसला है वो बढ़ेगा, वो हो के रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी क्योंकि आपने अपने जिस्म के अंदर ना वो सफाई वाली सुथराई वाली बात की, ना ने आपने वो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, रफ़ा करने के लिए ये कभी नहीं किया, ये तमाम चीज़ें भी आगे जाके होंगी। एक ये भी सवाल आप नोट कर लें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद और साबित होगा और सीखने वालों को इसका फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हम, एक बंदे ने हद से ज़्यादा, ये तो पहले वाला हुआ ना कि जैसे गर्मी खुश्की होगी, अब इसमें से तीसरी जो शाख निकलेगी या दूसरी शाख कह सकते हैं वो निकलेगी टीबी वाली, ठीक है, टीबी क्या है जी, ये भी गर्मी खुश्की से बढ़ गई, जिस्म में चर्बी जलने लग गई और बुखार रहने लग गया, तमाम गोश्त सूखना शुरू हो गया और मुख्तलिफ जगह से फेफड़ों की अलामात से खून फटना शुरू हो गया और खून निकलना शुरू हो गया। जब ये इलाज हम करवाते हैं तो वो टीबी वाले मरीज़ को आप ज़रा नोट करते जाएं, ये वो बड़ी मर्ज़ें हैं जो कि हमेशा हमारे जिस्म और हमारे इलाके में हमारे साथ लोगों को जो मिलने वाले हैं उनसे कभी पूछ के देखना, वो कहेंगे कि हमें आज तक वो कमज़ोरी जो थी टीबी के दरमियान वो आज तक मुकम्मल नहीं हुई। ये भी इसी
वजह से होती है, जब आप इसे गौर करते हैं, गौर करने के बाद समझते हैं, तो ये आप नोट करेंगे, वो सारी उम्र कहेगा कि जी मुझे ये मसला जो है वो ठीक नहीं हुआ। जिस तरह के हेपेटाइटिस सी है, बी है, ए है, वो शख्स सारी उम्र ये कहेगा कि यार मुझे जब से ये यरकान हुआ ना, मेरी कुव्वत बा ख़त्म हो गई, मेरी यार ये ख़त्म हो गया, मेरा वो ख़त्म हो गया, यार मैं उस वक्त से ठीक नहीं हुआ। जब वो बिगड़ती जाएगा, जो कि वो कंडीशन अलामात थी वो बिगड़ती जाएंगी, तो आगे जाके वो हमारा जो जिस्म का जो स्ट्रक्चर है उसे बर्बाद कर देगी। अब आते हैं हम जो कि बलगमी, ठीक है ना, बलगमी शुगर। अब ये शुगर जो बलगमी होती है, इसमें तो सफ़ेद पेशाब आएगा और जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होगी। अब जबकि बलगम का हजम बिगड़ गया, ये भी सोचने वाली बात है, जब बलगम का हजम बिगड़ गया तो बिगड़ने के साथ साथ वो या तो दमा पैदा करेगा, ठीक है, या जोड़ों में दर्द पैदा करेगा, जबकि वो बहुत सारे अमराज जो वो पैदा करेगा। ये तो छोटे थे ना अमराज पैदा किए उसने। अच्छा, ये भी एक मैं आपको बात बताऊंगा कि ये भी मेरी रिसर्च और मेरे तजर्बे में आई है। जब आपका आपने नोट कर लिया कि ये मुझे सफ़ेद रंग की फिंसियाँ निकल रही हैं, यार ये बलगम की ज़्यादती से हो रहा है, यार मुझे बलगमी बुखार हो रहा है, ये बलगम की ज़्यादती से हो गया, यार ये मुझे दमा हो रहा है, बलगम कच्चा आ रहा है, ये भी दमे की वजह बलगम की वजह से हो गया। अब ये जो छोटी छोटी अमराज थी, ये रोज़मर्रा के हमारे हिस्से में है, तो इनमें से बड़ी मर्ज कौन सी है, वो दमा, ठीक है। अब दमे के आगे अगर एक बंदे को दमा नहीं होता तो उसकी कंडीशन दूसरी जो शुरू होगी वो होगी शुगर वाले लेवल की। मिसाल के तौर पर इसी में भी जिस जगह पर गर्मी चाहिए वहाँ पर भी सर्दी पैदा होगी, और जिस जगह पे खुश्की चाहिए थी वहाँ पे भी तरी पैदा हो गई, और इसी तरह वो तमाम का तमाम जब स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो उसके बाद शुरू होती है अगला जो प्रोसीजर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो था, यानी कि वो था शुगर। जबकि पहले अज़ा आपके बीमार हो चुके हैं, वो पहले यानी कि जो तमाम फैक्ट्री में काम हो रहा था वो बिगड़ ही चुका है, वो रुका ही नहीं, वो तमाम का तमाम जब बिगड़ गया तो उसके बाद अगला जो लेवल था वो शुगर का। अब सर्दी खुश्की की वजह से भी शुगर है, ये भी बात हकीकत है कि सर्दी खुश्की की वजह से भी शुगर है। इन दोनों चीज़ों को नोट करने वाली बात है, ज़रा ये समझ लें, जिस बंदे को गर्मी की खुश्की की वजह से शुगर होगी, वो जहाँ पेशाब करेगा उसके पेशाब के अंदर एक मवाद खारिज होगा जो कि सोने कलर जैसी भाप मारेगा, यानी कि ये आप किसी भी उसे रेत वगैरह पर पेशाब करवाएं, जब वो खुश्क हो जाए तो आप सूरज की जब चमक पड़ेगी तो आप देखेंगे जैसे कि सुर्ख सुर्ख रंग और हल्का यानी कि सुनहरी कलर का वो मवाद उस पर मारेगा और उसमें चमक निकलेगी। अब ये भी देख लें, नोट कर लें कि एक बंदे को उजलाती या साबी, यानी कि सर्दी खुश्की वाली, यानी कि जब ये शुगर हो जाएगी तो जब वो पेशाब करेगा किसी ऐसी जगह पे तो वहाँ जगह काली काली महसूस होगी, हल्का हल्का सा काला धब्बे पड़ जाएंगे, और जो कि वो जिस बात में पेशाब करेगा वहाँ पर काले रंग की धारियाँ बन जाएंगी। तो साबित ये हुआ कि सौदा जब बिगड़ा, सौदा जब जिस्म में रुका, सौदा ने सब के सब अपने अंदर उन चीज़ों का रंग ले लिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहले ये बात मुकम्मल कर लें कि आपने वो देखा, ये भी यानी कि जब बलगमी अगर शुगर बढ़ेगी तो उस हालत में जिस जगह पर मरीज़ ये पेशाब करेगा वहाँ सफ़ेदी ज़्यादा होगी, जैसे कि चर्बी, चर्बी की एक लेयर लगी हुई इसके। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है वो तजर्बा करके देख लें, उन्हें ये पता लग जाएगा कि ये बात सच है। आप बाज़ार में जाएंगे तो वो आपको टूप रोज मिल जाएगा, टूप रोज आम जो फूलों वाले लोग हैं ना, उन्होंने रखे हुए होते हैं। जब मैं ये इस पर काम कर रहा था ना, तो इसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, लेकिन वो सोचते सोचते बस यहाँ तक पहुँच गया। तो आप जब देखेंगे ना तो वो टूप रोज मिल जाती हैं बड़ी बड़ी, तकरीबन दो दो तीन तीन फुट वाली, तो ऊपर उन्होंने एक रखा होता है वो पानी के अंदर।
तो आप वो क्या काम करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में हल्का सा नील घोलते हैं, नील घोलने के बाद वो ट्यूब वगैरह यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि वो जिंदा होती हैं। जब रख देते हैं तो वो पानी को खींचती है, जब पानी को खींचती हैं तो जो पानी के अंदर कलर होता है वही उस ट्यूब रोज फूल के अंदर कलर शो होने लगता है। वो कलर पक्का होता है, कच्चा नहीं होता। जो पानी में डाला हमने वो कच्चा था, वो उसने खींच लिया, खींचने के बाद उसने अपने अंदर जज्ब कर लिया, जज्ब करने के बाद वही उसने शो किया। तो यही मिसाल के तौर पर आपके शुगर का लेवल होता है, जैसे कि बलगम अगर बढ़ गई है तो पूरा जिस्म बलगमी हो जाएगा, जिस्म ने उसे खींच लिया। और इसी तरह जब सौदा की ज्यादती होगी तो जिस्म ने उसे खींच लिया, और इसी तरह जब गर्मी खुश्की का असर गालब आएगा तो जिस्म ने उसे खींच लिया। आप ठंडी चीज़ों से राहत महसूस करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे, बलगम में आपको ठंड लगेगी, इसी तरह सर्दी खुश्की में जोड़ दर्द करेंगे, जिस्म दर्द करेगा। तो ये भी आलामात को गौर से समझने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। असूलों के मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर करनी है या तिब के असूलों के मुताबिक हम इलाज करेंगे तब जाके इसका इलाज होगा। मैं कहता हूं कि इंसान का जिस्म एक पैप की मानद है। मैं इस पर काम कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला आन करीब आपकी खिदमत में एक रिपोर्ट पेश करूंगा जिसमें बहुत बड़ा आसान हो जाएगा इलाज करने का तरीका। जब आपने वो देख लिया, आगे वो शुगर अभी यहां पर नहीं खत्म हुई, शुगर की बहुत बड़ी लंबी तारीफ है। अच्छा, जब ये मैंने वो पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जब आपने समझ लिया कि पहले तो उसे गर्मी महसूस हुई, गर्मी के बाद उसे यरकान हुआ, यरकान नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हेपेटाइटिस सी हो गया, बी हो गया, अच्छा वो आगे लेके चले गए। जब वहाँ पर यरकान के बाद शुगर हो गई, और शुगर के बाद जब पाँचवीं कंडीशन, पहले गर्मी, एक नंबर दो यरकान, तीसरे नंबर पर, चौथे तीसरे नंबर पर वो हो गया, अगर ख़त्म भी होगा तो महसूस होगा, अगर चौथे नंबर पर इसे लेके जाएँ या पांचवें नंबर पर जो भी, तो आगे जाके देखेंगे इसकी अगली कंडीशन शुरू होगी, जबकि मरीज़ के जहां पर जो खून है वो धब्बों में की शक्ल इख्तियार करता जाएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, बिनाई कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ जाता जाएगा। अब इस बीमारी के अंदर वो लोग बचेंगे जो कम खाएंगे, वो लोग बचेंगे जो पानी साफ इस्तेमाल करेंगे, वो लोग बचेंगे जो लोग खुश रहेंगे, वो लोग बचेंगे जो परहेज़ करेंगे, वो लोग बचेंगे जो कि इसके असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि भाई जिस्म के अंदर एक हरारत का लेवल दुरुस्त रखें। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज, ये वो हरारत पैदा करती है जो आपकी रूह को ज़्यादा गर्म करती है। जब रूह गर्म होती है तो पूरे जिस्म का जो खून होता है वो सप्लाई के लिहाज से तेज़ी इख्तियार करता है और खून वाश होता है। ये याद रखें, ये एक्सरसाइज से शुगर कम नहीं होती, इसके अंदर जो गर्मी पैदा होती है उस गर्मी की वजह से जो शुगर के जो कुछ कह सकते हैं दाने होते हैं या कुछ जुज होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। जब जलते हैं तो शुगर का लेवल कम आता है। ये भी आप नोट रखें कि शुगर का लेवल कम करने के लिए एक्सरसाइज एक वो हथियार है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप बिठा लेना जहन में कि ये भी काम करती है। अब हम आते हैं उस तरफ कि लोग कहते हैं कि जी हम रोटी खाते हैं तो इसमें शुगर है। भाई शुगर नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वो लेवल थो जो था जिस्म के अंदर के जो हाजमे की खराबी की वजह से जो गजाइत हमारे जिस्म को चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो जिस्म के अंदर वो मवाद जो कच्चा था जो हजम होने के लिए जाना था वो रुक गया, जिसकी वजह से शुगर बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इसके अंदर हमने हाजमे का तो इलाज ही नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे तिब्बा इकराम में ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। एक बंदे ने कहा क्या जी, उसने कहा जी मैंने ये काम किया है कि जी गुड़मार बूटी दे दें जी, इसमें तुम्मा डाल दें जी, इसमें वो डाल दें जी, तीसरी डाल दें, चौथी डाल दें, पांचवी डाल दें। भाई जब आपने डाल दी तो हाजमा किधर होगा, हाजमे को कभी कौन करेगा।
बात बताएं ना खुर्रम हैदरी साहब, बात बताएं कि हाजमे को कभी करने वाली कौन सी चीज़। आपने तो वही काम किया जो पहले आप एक्सरसाइज से भी कर सकते थे। जब आपने एक्सरसाइज की तो खून गर्म हुआ, खून गर्म होने के बाद जो फासद मादे थे वो जलने लग गए, जिस्म में खून जो था वो हल्का हो गया और आपको थोड़ी सी राहत महसूस हुई, आपका खून साफ़ हो गया और शुगर का लेवल कम हो गया। भाई जो हम खाते हैं इसका लुबे लुबाब ये है, जो हम खाते हैं वो हजम नहीं होता। पहला हाजमा कमज़ोर, अभी इनकी भी बात कर लेते हैं, पहला हाजमा जो होता है हमारा वो मेदे में जाके हो गया, सॉरी वो पहला जो हाजमा वो हमारे चबड़ों के अंदर ही हो गया, दूसरा हाजमा मेदे के अंदर हो गया, तीसरा उसने कालूस पैदा किया वो जिगर को भेज दिया। जब जिगर ने उसे पकाया, ये किया वो किया, अब उसका कुछ फासद मादा ज़ाया हो गया पेशाब के रास्ते, कुछ पखाने के रास्ते, अब उसके अंदर जो जिस्म को ताकत देने वाली, जो तवानाई ताकत पैदा करने वाली वो रह गए, अब वो कुछ हिस्सा जिल्द के ज़रिए मैल बनकर निकल गया, अब कुछ हिस्सा जो था वो कुछ नाखून को चला गया, कुछ बालों को चला गया, कुछ आँखों को चला गया। ये वो तरीका था जो कि जिगर ने तमाम के लिए ग़ज़ा पैदा की। ठीक हो गया ना, जब तमाम जिगर को ग़ज़ा, जो जिस्म के तमाम अज़ा होते हैं उनको तो जिगर ग़ज़ा फराहम करता है, मैदा उसका रसददान है, और इसी तरह ये जब ग़ज़ा पैदा करता है तो ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को भेजता है जहाँ पर इसके मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, जैसे कि दिमाग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो ये जिगर पैदा करता है, और इसी तरह जब ये दिल के लिए वो भी यही पैदा करता है। अब जिगर का काम यहाँ पर ख़त्म, अब अगला काम जो होता है वो दिल का है। दिल जो है वो तमाम खून को यानी उस खुराक को उठाता है और तमाम जिस्म में फेंकता है, जैसे कि दिमाग के लिए चाहिए तो वो खून के अंदर चला जाता है, वो दिमाग को ग़ज़ा मिलती है, दिमाग ताकतवर होता है। ऐसे तो नहीं लोग कहते कि जी बादाम खाएँ आँखें ताकतवर होती हैं, अखरोट खाएँ जी इससे दिमाग ताकतवर होता है, ये कैसे हो गया? यही तो असूल थे जिन पर हमने काम करना ही छोड़ दिया। अभी यहाँ पर जो तिब्बा इकराम जो डॉक्टर हजरात लेते हैं सहारे का, ये कहता हूँ कि सहारा लेते हैं, ये बिल्डिंग के नीचे चीज़ खड़ी कर दी, भी नहीं गिरेगी, भी डिग गिरेगी वो, अब नहीं गिरेगी तो वो 5 साल बाद गिरेगी, 2 साल बाद गिरेगी, वो गिरेगी। तो यही बात है कि जब हमने इन असूलों पर काम करना छोड़ दिया, तिब के असूलों पर काम करना छोड़ दिया, हमने पहले जिस्म को साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसे ताकत बहाल की और आहिस्ता आहिस्ता उसे बैक वापस लेके आए, जिस जगह से वो शुरू हुआ था उसी जगह पर उसे लेके आना है, तब जाके शुगर ख़त्म होगी, अदरवाइज शुगर कभी ख़त्म नहीं होगी, लगा लें जितना ज़ोर मर्जी। ये भी उस्तादों ने सही फरमाया है कि जब तक आपके तिब के असूलों के मुताबिक इलाज नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई तबीब कामयाब नहीं होगा, कभी कोई डॉक्टर कामयाब नहीं होगा, कभी कोई बंदा कामयाब नहीं होगा, जब तक आप असूलों पर काम नहीं करेंगे, तिब के असूलों पर काम नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पंगा खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो पंगा तिब के अंदर खड़ा हुआ है, तिब की बर्बादी का जो पहला आंसर शुरू हुआ है, वो अगर देखा जाए तो ये अंग्रेज़ी में भी यही आंसर खड़ा हुआ है, और इसी तरह एलोपैथिक यूनानी फलां 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 जितने भी हैं, सब लोग कहते हैं कि जी आरजी आराम हो, आरजी फ़ायदा हो, आरजी लोगों को ये, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहली बात मैं आपको बता दूँ, रोटी खाना का असूल है, रोटी क्या काम करती है, रोटी आपकी भूख ख़त्म करती है। पहले तो ये कि आपको भूख लगे ही ना, पहले वो एहसास पैदा हुआ, एहसास के बाद आपने उसे वो जो खुराक थी वो मुहैया की, अब जिस्म की जो फैक्ट्री थी, अब वो आपकी भूख जो थी वो मांग रहे थे वही अज़ा जो अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो कमी हो रही थी, वो दिमाग को एक पैगाम भेजते हैं कि भाई ये चीज़ लाओ, और दिमाग आगे मैदे को कहता है, मैदा जो हैगा वो मंगवाता है, और इसी तरह आगे जिगर चला जाता है, जिगर फिर उसे करता है, फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आएगी। तो भाई जब तक आप एक एहसास को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप तिब के असूलों को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक इसका इलाज मुमकिन नहीं। इसी तरह मैंने पिछले दिनों एक काम करा था, आज तो बहुत ज़्यादा वॉइस लंबी हो गई, लेकिन आपने वो सवाल ही इतना टेढ़ा सा पूछा था तो मुझे इतने सवाल करने पड़े। जब तक आप अभी ये देखें कि हमारे तिब के जो मायानाज लोग हैं, ये प्रोफेसर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके आगे तक, किसी बंदे को कहें कि मेरे साथ इन चीज़ों पर बात करें, वो जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? उसने सारी उम्र पढ़ा ज़रूर है लेकिन उस पर अमल ही नहीं किया।
एक कुव्वत मदाफियत इंसान के अंदर मौजूद है, दूसरी कुव्वत दाफिया मौजूद है, तीसरी कुव्वत वो है जो कुव्वत जाज़बा है। और इसी तरह तमाम कुव्वतें अपने अपने हिस्से पर काम कर रही हैं। जैसे कि एक बंदे को कब्ज होगी, कुव्वत जाज़बा जो है वो बढ़ गई, इसी तरह जनाब कुव्वत दाफिया कमज़ोर हो गई। ये तमाम कुव्वतों तो हमारे अंदर काम कर रही हैं। जब हम इन असूलों पर ही नहीं काम करेंगे तो ये खा लें आप कुश्ते हज़ारों, खा लें ये, खा लें आप गोलियाँ बनी हुई, खा लें आप ये वो जो भी आपको मिलता है खा लें भाई। ये इलाज नहीं हो सकता, ये असूल के मुताबिक ही नहीं काम कर रहे। जब बीमारी पहले हिस्से से निकलकर दूसरे में गई, दूसरे से निकलकर तीसरे में गई, और तीसरे से निकलकर चौथे हिस्से में गई, और चौथे हिस्से से निकलकर पांचवें हिस्से में, और जब छठवें हिस्से में जाती है तो बंदा कब्र के अंदर होता। छठवें हिस्से में जब मर जाती है ना तो बंदा कब्र के नीचे अंदर होता है। क्यों? उसे रोका ही नहीं गया। जो बीमारी एक तूफान की तरह आई थी उसे रोका ही नहीं गया, किसी जगह पे रोक लेते, किसी जगह पे कुदरत ने आपको पहला सिग्नल दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया। अब तो वो तबीब का काम है ना, उसे किस तरह हैंडल करता है, किस तरह उसे कंट्रोल करता है। भाई यहाँ पर तो एक बंदा है जो भी कहता है जी हेपेटाइटिस का इलाज करो, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15। भाई जब उसको निकालना ही नहीं है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप इसके असूलों पर काम कर सकते हैं। तो ये जो आए दिन आए दिन आए दिन कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि ये कर लें वो कर लें, ये सब बकवास है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जब आप सही तरीके से काम करेंगे इस पर तो इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा होगा। तो मैं फिर से कहूँगा इन तबीब हजरात को, ये जितने भी लोग हैं, मैं इन्हें कहूँगा खुदारा तिब के असूलों को अपनाएं, खुदारा तिब के असूलों को जानें, खुदारा तिब की सही जो बका है, तिब की जो सही एक जिस तरह कामयाबी। बड़े लोग जो थे, लोग कहते हैं जी वो बड़ा हकीम था ये, भाई वो तिब के असूल जानते थे। जब तिब के आप असूल ही नहीं जानेंगे मेरे प्यारे भाई तो आप इलाज भी नहीं कर सकेंगे। आप एक मर्दाना ताकत की झंडे को उठाकर गली गली घूम रहे हैं, वो ये छोड़ दें भाई, आप जिस्म की बॉडी को दुरुस्त कर लें तो तमाम कुव्वतें काम करने शुरू कर देती हैं। तो ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो कभी होना ही नहीं। क्योंकि हर बंदा कहता है कि जी मैं एक अच्छी पावर वाली दवाई तैयार कर सकूं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वक्ती उसे अफाका ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसके लिए बीमारियां पैदा होंगी। तो ये तिब के सही असूलों पर काम करें, इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी 100% है। मैंने आपको उसकी अलामात के अंदर जो अलामात से अलामात निकलती हैं वो मैंने बयान कर दी हैं, बता दी हैं। तो उस्ताद मोहतरम जनाब खुर्रम हैदरी साहब, आप इसे नोट करें, आप इसे इस पर काम करें तो मुझे बताएं। आप एक सेब से इलाज कर सकते हैं, आप एक प्याज से इलाज कर सकते हैं, आप एक आलू से इलाज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जिस ज़मीन से में जो चीज़ें हैं वो जो ज़मीन के अंदर वो नहीं खानी। ओ भाई क्यों नहीं खानी? इससे शुगर बढ़, और शुगर को छोड़ यार, शुगर तो बाद की बात है, पहले उसके स्ट्रक्चर को दुरुस्त कर। तो यही एक तरीका इलाज है इसका। अगर उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद निमत अली शाह साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त कहा है, ये इसमें कोई शक नहीं। बात असूल की है। जब आप एक बंदे को आप जब पैसे देते हैं, वो कहते हैं कि जी भाई मैं आपको 2 लाख दे रहा हूँ, तो आप इस तरह करें कि ये मेरे साथ आपको मुआहदा करें कि जी आप कब वापस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको ये जुर्माना डालूंगा, तो आपने तो असूल लिख लिए लेने के भी और देने के भी। तो जब दवाई हम देते हैं तो उसके असूल हैं खाने के भी और खिलाने के भी। क्या उसका जिस्म वो उस चीज़ को मान रहा है? क्या उसका जो बदन है वो उस चीज़ के लिए वो तैयार है? जो मैं दवाई दे रहा हूँ उसके जिस्म के लिए परफेक्ट है? जब परफेक्ट नहीं होगी तो वह कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप एक हलवा तैयार करें। जब मैं कह रहा हूँ कि आप एक हलवा तैयार करें, हलवा तो भाई मीठा होता है ना, उसमें शुगर होती है, उसमें गुड़ डाला जाता है, वो खूबसूरत होता है, मीठा होता है। तो जब उसके अंदर आप 2-3 चुटकियाँ तुम्बे की डाल के मुझे दे देंगे तो मैं खाऊँगा? मैं कभी नहीं खाऊँगा। मेरा जिसम हलवा मांग रहा तो मैं हलवा ही खाऊँगा, मैं तुम्बे वाला हलवा नहीं खाऊँगा। बात आपको समझ आ गई ना? जिस चीज़ को हम अभी गाय भैंस जिस चीज़ का भी आप ले लें तो आपको पता लग जाएगा। एक गाय है वो बिल्कुल उसने चारा वगैरह खूब खाया और बैठी हुई उगाली कर रही है, तो वो कभी भी जब वो बिल्कुल दुरुस्त होकर बैठे तो मेरे भाई वो कभी भी नहीं खाएगी। क्यों? उसे भी पता है कि ये असूल क्या है खाने के। तो हमारे यहाँ एक रोटी हजम नहीं होती तो दूसरी दबाल के, एक रोटी हजम नहीं होती तो दूसरी दबाल के। तो इतने किसी भी जगह पर परौने चले जाइए थे, वो चल यार मैं उतो बोतल से पीती सी, चलो हूँ तू कहना तो मैं 2 होर पी लेना,
असी ये नहीं सोचना कि मिसाल के तौर पर साडा वजूद मंग रहे जी नहीं असी तो उन्हें देना अजी। चलो यार ठीक है यार तू हूँ दही भले बना लेने तो यार चलो कोई गल नहीं मैं हूँ खा ही लेना। हूँ ये नहीं सोचना कि मेरा तो दिल मेरा वजूद नहीं मान रहा, असी सिर्फ ये सोचना कि अगला बंदा राजी कर रहे, अं अगला बंदा राजी नहीं कर रहे, अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे। पहला काम असूल खान पीन का, दूसरा असूल सौन बहन का, तीसरा असूल अपनी जिंदगी बेहतर गुजारन का, और चौथा असूल खुदा की तरफ बढ़ना। बल्कि इन पहले नंबर पर असी रखिए कि सब तो पहले कि असी खुदा की तरफ जाइए, नमाज रोज़ा हर चीज़ असी वो चीज़ों नोट करिए जेडे साडे मजहब ने दसिया। मजहब की कहता है कम खाओ कम सौ कम बोलो कम बात, यानी ये सारिया चीज़ा ने इबादत ज़्यादा करो। अच्छा उस बाद उन्होंने कह भी दिता कि पेट भर के नहीं खाना, थोड़ी जी भुख हो तो छड़ देना, पानी का एक हिस्सा, खाण का एक हिस्सा, साह का एक हिस्सा। तो बई असाल जहा आसान जहा हल है शुगर को रोकण का, यानी कि पहला असूल ही असी अगर दीन का ही समझ लिए तो सारा कुछ हो जाता। उम्मीद है कि थोड़ा इस गल की समझ आ गई, क्योंकि अब मैं ज़्यादा डिबेट करनी पी इस चीज़ के उपर, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन उलझा के रखा। जो मैं सोचना जो मैं समझना मैं वो मुताबक की, हो सकता मेरे तो भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ने, सीनियर ने, समझते हैं, मैं उन्हें लोगों को सलाम करना। बाकी जो मेरे दिल च सी जो मैं जो समझा हूँ तक इस तिब के हवाले ना काम करन दे, वो मैं थोड़ा समझाता अगे थोड़ा अपना जेन है, तुम ये की समझते जे की नहीं समझते मैनू नहीं इस चीज़ का पता। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों हम आपको ये समझाया है कि ये कैसे शुगर होता है, ये रोग नहीं एक अलामत है, ये किस तरीके से इसका इलाज करना चाहिए, किस दर्जे में है, किस दर्जात में आकर ये शुगर होता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी पर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों तो इतना लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको वीडियो को सब्सक्राइब कराएं जिससे हम सबका ये सदकाए जारिया बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।